And with the death toll on the rise in the encephalitis outbreak case, patients are also struggling, and so are the staff of the hospital where they are being treated. With no proper basic facilities available in the hospital, the medical staff is facing huge number of challenges and troubles to treat patients, and the patients, in fact, are being forced to live in some very unhygienic conditions. Take a look at this report. जेडीयू सेज नीतीश कुमार हैं, इसलिए बिहार में सुशासन है. बट इज देयर रियली अ सुशासन? इज नीतीश गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड टू टैकल विथ एनी मेडिकल इमरजेंसी? हियर इन पीएमसीएच, आई एम हियर इनसाइड द हॉस्पिटल, एंड दैट इज द फर्स्ट वार्ड व्हेन यू एंटर इन द पीएमसीएच हॉस्पिटल. द फर्स्ट वेरी वार्ड सेज द स्टोरी ऑफ अपैथी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द हेल्थ डिपार्टमेंट. द फर्स्ट, लुक एट द रूफ. In this ward, I can count the patients, more than 30 patients here. Now, if you see, there is only two ceiling fan. Yes, in this excessive temperature, when there are several kids even die due to heat wave, there are only two ceiling fans for the entire this hall. Sister, इतनी गर्मी में कैसे काम करते हैं आप लोग? ऐसे ही गर्मी में कर रहे हैं. हम लोग तो बैठने का भी जगह नहीं है. देखिए, बीच में बैठते हैं. पेशेंट्स जब बढ़ जाते हैं सीजन में, जब ज्यादा पेशेंट्स होंगे, जैसे अभी वो चमकी है, लू है, तब कितना मुश्किल हो रहा है आप लोग? बहुत मुश्किल हो रहा है. नीचे बैठ के जमीन में लगाने में बहुत प्रॉब्लम होता है. और जब नीचे बेड नहीं मिलता तो पेशेंट्स झगड़ा भी करते हैं? हाँ, बहुत झगड़ा करता है बेड नहीं मिलता है तो. मैं यहाँ 5 मिनट के लिए खड़ा हूँ, गर्मी से हालत खराब है. जो पेशेंट बीमार होकर के आए हैं, जो दवाइयाँ हैं, दवाइयों को कहा जाता है कि कीप इट इन कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड प्लेसेस, क्या इन दवाइयों पर भी असर नहीं पड़ेगा इस गर्मी से? नहीं, दवाइयाँ तो चलते रहती हैं ना, जैसे इंजेक्शन है वो लोग तुरंत काउंटर से लेकर आते हैं और लाके यहाँ पे सिस्टर रहती है अवेलेबल, वो लगा देती हैं. जिन पेशेंट्स को बेड नहीं मिला है उनके परिजन झगड़ा करेंगे? उनके परिजन झगड़ा करते, लेकिन इसमें हम लोग तो किसी को भी डिनाई नहीं कर सकते हैं ना, किसी को डिनाई नहीं. सबको एडमिट करना, सबको एडमिट करना, ईच एंड एवरी वन. अगर मेरा 100 बेड है, 500 मरीज आएगा तो वी हैव टू कीप 500 पेशेंट्स इन आवर वार्ड ओनली. डॉक्टर वोंट से नो टू यू. That's how, you know, the pressure, the kind of nursing staff and the medical staff in PMCH works. कितनी दवाइयाँ यहाँ मिलती हैं आपको? हमें पानी वानी मिला है, हम लोग ग्लूकोज वगैरह मिलता है. सर, दवाइयाँ यहाँ पर अवेलेबल नहीं पेशेंट्स? हम बता रहे हैं. यहाँ जो मैक्सिमम दवा यहाँ मिलती है, मैक्सिमम दवा जो लगा कि ब्रेन को नीड है पेशेंट को, तब हम लोग रेयर केस में एक आध दवा, दो दवा हम लोग लिखते हैं, क्योंकि इसकी लाइफ सेविंग करना है हमको, न कि हमको दवा का वो देखना है कि यहाँ से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. पहला मेरा प्रायोरिटी सरकारी अस्पताल है, जिम्मेदारी तो अस्पताल की होनी चाहिए ना कि तमाम जो पेशेंट्स हैं उनको दवा यहाँ से मिल जाए, उन्हें बाहर न जाना पड़े. नहीं, जिनके पास आयुष्मान का कार्ड होता है उन लोग को यहाँ से सारी दवाइयाँ मिलती हैं. नाउ आई एम हियर एट दी पीएमसीएच चाइल्ड इमरजेंसी. देर आर नो सफिशियंट नंबर ऑफ बेड्स लुकिंग एट द नंबर ऑफ पेशेंट्स, पर्टिकुलरली इन द पीक सीजन ऑफ diseases. So here the doctors and the administration of hospitals have arranged beds to treat the children, because a doctor cannot say no to any patient. Henceforth all these children are being given treatment here. Sister, kitna challenging hai ab aap logon ke liye, khas kar main dekh raha hu ye gallery ka hissa hai jahan aapne bed laga rakha hai. Ha, mushkil hai aap logon ke liye bhi? Patient ka attender bahut zyada rehta hai, attended, because they are small kids. The attendance comes in huge number, then parents, because they cannot leave their kids. The number is huge, number of these kids are huge. Doctor is not saying no to anyone, but again, the infrastructure, the state government lacks the infrastructure. And that is why the challenges even before the people of the state and also the medical staff. And that's how this PMCH Children Emergency Ward looks like.